हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 5 सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। ये शॉर्ट सम्स हैं, रेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है, आपको थोड़ा सा ध्यान देना होता है कि क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है और उसके अकॉर्डिंग आपको सम करना होता है। सो क्वेश्चन 9, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। एन दिया हुआ है, सिग्मा एक्स है, सिग्मा एक्स स्क्वायर है एंड मीडियन दिया हुआ है। नाउ मीडियन है, दैट मीन्स हमें कार्ल पियर्सन मेथड करना होगा। सिग्मा एक्स और एन भी दिया हुआ है तो हम मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। मीन इज इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स की वैल्यू है 640 डिवाइड बाय एन 20, तो हमें मीन मिल जाएगा, मीन की वैल्यू मिल जाएगी 640 डिवाइड बाय 20, तो मीन की वैल्यू आ गई 32। सो ये हो गया मीन। नाउ मीडियन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन के देखो इंफॉर्मेशन है सिग्मा एक्स स्क्वायर एंड सिग्मा एक्स। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड डेविएशन इक्वल्स टू सिग्मा एक्स स्क्वायर अपॉन एन माइनस सिग्मा एक्स अपॉन एन होल स्क्वायर एन रूट। ये स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला होता है रॉ डेटा के लिए, और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम यही कंसिडर करेंगे कि ये रॉ डेटा है। सिग्मा एक्स स्क्वायर, नाउ सिग्मा एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 20,800 डिवाइड बाय एन 20। सिग्मा एक्स 640 डिवाइड बाय 20 स्क्वायर रूट। 20,800 डिवाइड बाय 20 1040 माइनस, नाउ 640 डिवाइड बाय 20 आंसर इज 32, और 32 का स्क्वायर होता है 1024 रूट। सो माइनस करेंगे सो आंसर आ गया 16 रूट, रूट ऑफ 16। सो स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू हो गई 4। नाउ आप देखिए, आपके पास मीन अवेलेबल है, स्टैंडर्ड डेविएशन अवेलेबल है, मीडियन ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हमें कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस कैलकुलेट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करना होगा? 3 इंटू मीन माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन। इस फॉर्मूला से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 3 इंटू मीन 32 माइनस मीडियन, मीडियन की वैल्यू क्वेश्चन में हमें दी हुई थी ऑलरेडी 32.2 डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी कैलकुलेट किया 4। 3 इंटू 32 माइनस 32.2 माइनस 0.2 डिवाइड बाय 4, सो माइनस 0.6 डिवाइड बाय 4, तो ये आंसर आ जाएगा 0.15। ये है कोएफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस। सो आपको देखना है कि आपको क्वेश्चन में प्रोवाइड क्या किया गया है और उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करके सॉल्यूशन करेंगे। सो नाउ स्टूडेंट्स, ये था सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 9, नोट डाउन कर लीजिए। नाउ स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। सेक्शन डी क्वेश्चन नंबर 10,
कार्ल पियर्सन्स कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस फॉर अ डेटा इज -0.6. इफ मीन इज 60, मीन की वैल्यू 60 दी हुई है एंड स्टैंडर्ड डेविएशन इज 10, फाइंड मीडियन एंड मोड. मीडियन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है एंड मोड की वैल्यू कैलकुलेट करनी है. सो पहले हम मोड कैलकुलेट कर लेते हैं. मोड नाउ सब में क्लियर दिया हुआ है कि कार्ल पियर्सन्स कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस है. सो कार्ल पियर्सन्स के लिए कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस का फॉर्मूला होगा मीन माइनस मोड अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन. -0.6, मीन 60, मोड स्टैंडर्ड डेविएशन 10. सो देयरफॉर -0.6 × 10 ये 10 मल्टीप्लाई हो जाएंगे, लेफ्ट हैंड साइड जाएंगे. सो 60 माइनस मोड. सो देयरफॉर 0.6 × 10, सो -6 इज इक्वल्स टू 60 माइनस मोड. हमें मोड कैलकुलेट करना है, मोड को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. सो देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 60 और ये -6 को राइट हैंड साइड रख देंगे तो हो जाएंगे +6. सो देयरफॉर मोड इज इक्वल्स टू 66. ये हो गया हमारा आंसर. मोड इज इक्वल्स टू 66. सो स्टूडेंट्स, ये था क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन डी का, जिसमें हमने मोड कैलकुलेट करना सीखा. नाउ इसी डेटा में से हमें मीडियन कैलकुलेट करना है, तो सिर्फ फार्मूला चेंज हो जाएगी. हम मीडियन की फार्मूला अप्लाई करेंगे एंड मीडियन कैलकुलेट करेंगे. सो आइए देखते हैं मीडियन की वैल्यू कैसे कैलकुलेट होगी. मीडियन, नाउ कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस इज इक्वल्स टू 3 × मीन माइनस मीडियन डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन. हम ये भी कैलकुलेट कर सकते हैं. और दूसरा जो मोड का फॉर्मूला होता है, उस मोड के फॉर्मूला से भी कैलकुलेट कर सकते हैं. दोनों से कैलकुलेट कर लेते हैं. चलिए, सो कॉफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस इज -0.6 इज इक्वल्स टू 3 × मीन 60 माइनस मीडियन अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन 10. स्टैंडर्ड डेविएशन को मल्टीप्लाई करेंगे. -0.6 × 10 इज इक्वल्स टू 3 × 60 = 180 माइनस 3 × m -3m. सो देयरफॉर -6 मल्टीप्लाई करेंगे -6 इक्वल्स टू 180 माइनस 3m. 3m को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे सो पॉजिटिव हो जाएगा. 3m इज इक्वल्स टू 180 और ये जो -6 है वो राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो +6 हो जाएंगे. सो देयरफॉर 3m इज इक्वल्स टू 186. सो m इक्वल्स टू 186 डिवाइड बाय 3, 62. एक तो हम इस फॉर्मूला से कैलकुलेट कर सकते हैं. दूसरा जो फॉर्मूला आप 10th में सीख कर आए हो, मोड इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, इस फॉर्मूला से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं. आप 10th में z लिखते थे, यहाँ पर z इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार. सो यहाँ पर मीडियन कैलकुलेट करना है. मोड ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है, ये देखिए 66. सो 66 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2x बार, x बार की वैल्यू है 60. सो देयरफॉर 66 इज इक्वल्स टू 3m माइनस 2 × 60 120. सो देयरफॉर 66 माइनस 120 लेफ्ट हैंड साइड आ जाएंगे तो +120 हो जाएंगे. +120 इज इक्वल्स टू 3m. सो देयरफॉर
3m is equals to 186, 120 plus 66, 186. देखो यही स्टेप यहाँ पर टैली हो गया, 3m equals to 186. So therefore m is equals to 186 divided by 3. So m is equals to 62. तो ये हमने मीडियन कैलकुलेट किया, आपको दोनों में से कोई भी एक करना है, मैं यहाँ पर और लिख देता हूँ, और आप दोनों में से कोई भी एक करोगे एग्जाम में, ज़रूरी नहीं आप दोनों मेथड करो, आप कोई भी एक एक मेथड करोगे. सो स्टूडेंट्स ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10, नोट डाउन कर लीजिए इसे. सो स्टूडेंट्स ये लेक्चर मैं यहाँ ही पूरा कर रहा हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू सम के साथ.